अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू ऑल डूइंग वेरी वेल। तो वेलकम बैक करते हैं व्लॉग विद नबिया में। भाई व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिस जिसने व्लॉग विद नबिया को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर नहीं किया है वो फटाफट से जाके मेरे चैनल को कर ले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जब भी व्लॉग विद नबिया पे एक व्लॉग अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। भाई जैसे कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां शुरू हो गई हैं, इसी तरह की कराची में भी सर्दी स्टार्ट हो गई है। वो लोग जो कहते हैं कि कराची में रहने वालों के लिए कौन सी सर्दी, तो भाई कराची में रहने वालों से पूछो कि कितनी सर्दी है यहाँ पर। अपने साथ साथ लेके जाऊंगी मैं आप लोगों को भी बाजार और दिखाऊंगी कितने रीजनेबल प्राइस में मिलेगी आपको एक गर्म सॉफ्ट और अच्छी सी रजाई। तारियां खत्म नहीं होती तो इसकी बिला वजह की तो भाई ऑटो में हम लोग बैठ गए हैं बाजार जाने के लिए। हमेशा की तरह मेरे पास कैश पैसे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से हमने जाना है सीधा एटीएम, एटीएम से निकाला है कैश। पैसे होने के बाद हमने जाना है बाजार। बंद जाहिल लाओ जल्दी से एटीएम कर दो। कुणी कुणी सुनी 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 अंड मुंडे मुंडे बिला वजह की हरकत नहीं। कुणी गरीब हाथ टूटेगा ना मैं भी क्या होगा। झूल की भाई बाजार हम लोग आ गए हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ ढूंढना है रजाई वाला। यहाँ पे तो सब क्या लगा हुआ है यहाँ पे ठंडा ठंडा। यहाँ से अब हमने सीधा जाना है रजाई वाले के पास क्योंकि हमारा काम अभी सिर्फ उसके पास है। तो भाई यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ जो है रजाइयाँ मिली, अब इनसे पूछना है कि पहले कितने के। भैया अंकल रजाई है आपके पास, दिखा दें जरा मुझे। गरम रजाइयाँ दिखाइएगा। ये देख अंकल डार्क कलर में दिखाएं, डार्क कलर में है? डार्क कलर में दिखाएं। ये देखें ये लगी हुई है जो बोलेंगे देखो। उनसे पूछने गिरे गिरे वाला नीचे आइए दिखा दे। गिरे वाला दिखा दे। दिखाओ। अच्छा 38 दे दो, यकीन करो ये ऐसी चीज है इंशाल्लाह दोबारा। आओ देखो तुम्हें इसके अंदर तुम्हारी लिए ले रही हूं मैं। खोल के दिखा बेटा, खोल के दिखाओ कितना बड़ा है। नहीं मिलेगा। और दिखाओ। 38 दे दो। 38 हाँ नहीं ना देखूंगा। दिखाओ ये 4.5 से कम दे। ये छोटी नहीं है क्या प्राइस है इसके? ये 1600। ये तो बताने वाले हैं ना भाई, बताने वाले चीज अच्छी है। वो तो आप सही करें इसको प्राइस को। कितने दाने लेने? अभी तो एक ही दाना ले लो। ये ले जाओ ये 26 निकाल के दिया। ये देखो ये भारी है, क्वालिटी है, भारी तो है। बस आप 1200 ले लें भाई। अंकल 1200 ले लें आप इसके बस। नहीं अंकल बिल्कुल सही लगाए मैंने आपको, बस ये गरम होनी चाहिए। ये आइटम है अम्मा, इनको बताओ जरा। ये अम्मा से क्या पूछूं मैं, आप मुझे बताएं ना। अब तकिए हैं आपके पास? नहीं तकिए। अच्छा तो भाई फाइनली हमने ये वाली रजाई ले ली है जो कि हमें सिर्फ 1200 की मिली है। अब मुझे नहीं पता कि मैंने महंगी ले ली या सस्ती ले ली, लेकिन फिर भी थोड़ी रीजनेबल तो है ही। एक ये वाले भी रजाई वाले वहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही प्राइस बोल दिया, क्योंकि लास्ट टाइम मेरी बहन लेके गई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ 600 की लेके गई थी। अस्सलाम वालेकुम भाई, रजाई है आपके पास? रजाइयाँ दिखा दें मुझे, गरम रजाई दिखाइएगा और ना बड़ा होना चाहिए, बड़ी साइज होनी चाहिए और ना डार्क कलर में दिखाइएगा। दिखाएं और इसके अलावा दिखाएं भाई।
मतलब तीन चार दिखा दें और थोड़ी बड़ी होनी चाहिए। कौन सी? ये वाली 3500 रुपए की है, 1800 रुपए की है। और इससे रीजनेबल और अच्छी वाली 600 रुपए वाली, 800 वाली भी लगी है। ये वाली आप कौन सा भी लेंगे 800 रुपए की। तो ये गरम है? गरम है। गारंटी दे रहे हैं इस बात की? बिल्कुल। देखो वाली, और इससे डार्क कलर है आपके पास? ये थोड़े लाइट कलर हो जाते हैं तो ये गंदे हो जाते हैं बहुत। अली तुम्हें समझ में आ रहा है कलर? इसमें से कोई कलर समझ में आ रहा है डार्क कलर में? कौन सा वाला? ऊपर वाला तो वो है ना, पिंक है ना। हाँ ये वाली दिखाएं। लेकिन इसमें भी देखो ऊपर व्हाइट कलर आ गया। ये रेट ना तो चलता है। अच्छी लग रही है। और ये वाली? वो अच्छी लग रही है। ये वाली? हाँ, ब्राउन वाली। क्या प्राइस है इसकी ब्राउन वाली के? 800 रुपए फाइनल है? पूरे बाजार की गारंटी है भाई, थोड़ा तो प्राइस कम करें। और 600 का जो वो वाला? नहीं वो नहीं समझ आया, उसके कलर भी लाइट है। ये वाला चाहिए? ये तो भाई बताने वाले हैं बाजार में खड़े हुए, थोड़ा प्राइस आप सही करें। आप बाजार में घूमी है, इस रेट पे कोई देगा मैं फ्री दूंगा भाई। दे नहीं, अभी मैं और एक्सप्लोर करके आई हूँ तो ये समझ में आ रही है, तो मैं ये ले लेती हूँ आपसे। तकिया है आपके पास? तो तकिया भी दिखा दें, मुझे तकिया भी लेना है, लेकिन इसके प्राइस कम करें। अच्छा चले आप ये कर दो, मुझे तकिया दिखा दें। सॉफ्ट तकिया दिखाइएगा, बिल्कुल और रीजनेबल प्राइस में। कितने का ही है? कितने का है? 450 के दो। इसके भी फिक्स प्राइस है? पॉलिस्टर वाले बैठेंगे नहीं अल्लाह, तो आप मुझे बताएं इसके भी फिक्स प्राइस है भाई? 400 हो जाएंगे फिक्स, बिल्कुल लास्ट। अच्छा चले दो तकिया ये वाले भी निकालते हैं आप। दूसरा दो इसका। कलर कैसा है इसका? कलर बताएं। कलर डार्क में चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये देखिए बस नहीं मैच हो रहा है रजाई के साथ, है ना। बात सुने भाई, यही वाला दे दें आप। हाँ ये खोल के दिखा देंगे आप? है भाई खोल के दिखा देंगे ये वाला तो क्या? हाँ मतलब पन्नी खोल के दिखा देंगे। देखिए ये देख अली, ये गंदा हो जाएगा वाइट, इससे थोड़ा डार्क कलर दिखाएं। हाँ ये वाले निकाल दें दो। चार एक हो गया हमारा ये वाला ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट नहीं सॉरी रजाई, और दो हो गए हमारे तकिए। तो उसका टोटल बिल कितना बना? 800 इसके और 400 इसके, 1200। तो भाई 1200 में हमने दो मतलब तीन चीज़ें ले लिया, और अभी जो मैं वहाँ से वो ले रही थी वो वाली रजाई, तो वो सिर्फ 1200 रुपये में एक ही रजाई मिल रही थी, तो ये नहीं सही। कल पैसे ले लें भाई। ब्लॉग विद नबिया, ब्लॉग विद नबिया, मदिया नहीं नबिया, ब्लॉग विद नबिया। चलो भाई ये हमने ले लिया, अब उठा लो उसको ली। तो भाई ब्लैंकेट हमने ले लिया है, अब यहाँ से मुझे जाना है सीधा घर। टाइम हो रहा है कुछ 2:30 बज रहे हैं और 3 बजे तक। अंकल नहीं यहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है यहाँ से। और टाइम हो रहा है कुछ 2:30 बज रहे हैं, यहाँ से मुझे सीधा जाना है अपनी जॉब पर। अब लेट जाऊँगी तो सारी सी बातें लेट ही ऑफ होगा भाई। तो ये होता है कि साथ साथ जॉब के साथ साथ अपने घर के भी काम देखने पड़ते हैं। आते ही इतनी भूख लगी है मुझे, जबकि आए में मुझे 3 से 4 घंटे हो गए। आते ही काम इतना है क्योंकि दिखा रही हूँ मैं सबर, क्योंकि अभी हमारी चल रही सेल, और सेल में तक इतना भी टाइम नहीं मिलता कि हम बंदा बैठ जाए खड़े खड़े। अभी मैं खाना खा रही हूँ, हमने चोरी करके खा लिया फ्राइज हमारी दोस्त के अपने पास से। मतलब ऐसी कोई टेक्निक निकलनी चाहिए कि हम लोग सब कुछ खा लें लेकिन हम लोग का वेट गेन ना हो। अंडे कौन खा जाता है? ये रहा ना यार अंडे। तो भाई मॉल की कुछ न्यू एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे, अब चलते हैं नीचे और पूछते हैं कि क्या एक्टिविटीज चल रही है यहाँ पे। यहाँ पे कुछ शॉपिंग करके शायद वाउचर्स वगैरह दे रहे हैं और गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, तो पता करते वहीं पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ब्लॉग बना लूं मैं? क्लास में ही मैं ले लूं। हाँ ले लो। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे क्या एक्टिविटीज चल रही है? यहाँ लकी ड्रॉ चल रहा है, आज फर्स्ट डे है,
5000 की परचेजिंग है लगे। क्या गिफ्ट दे रही हो ये तो बताओ। स्मार्ट टीवी है और ऑडियोनिक स्पीकर्स हैं, ये ये कार कितनी की शॉपिंग पे ये बता दो। ये कार 5000 की परचेजिंग पर बस। सही बताओ। सही बता रही हूँ। नहीं करो यार, 5000 की परचेजिंग पे यार कहाँ चली गई? तुम किधर हो? मैं तुम्हें बुला रही हूँ, इधर आओ। 5000 की परचेजिंग पे ये कार मिल रही है, ये वाली तो पूरे आएंगे नहीं। नहीं यार हम नहीं आएंगे, लेकिन मैं अपने भांजे को दे सकती हूँ ये वाली। कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन 5000 का मैं लूँ क्या? अभी मैंने शॉपिंग की है यार, मतलब परसों में एक सूट लेकर गई हूँ, अभी बाद में लेकर। यार नहीं करो, आज से स्टार्ट। सुनो ये टोपी डामे मेरे साथ नहीं करो। मैं समझे 5000 की परचेजिंग में तुम दे रही हो मुझे। दे नहीं रही हूँ मैं, ये लकी ड्रॉ है, मैंने पहले ही बताया था। मतलब 5000 की शॉपिंग भी करूँ और फिर लकी ड्रॉ पे भी रहूँ? वाह भाई वाह। नहीं चलो 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 चलो, है ना। अच्छा यार, तो ये चूज योर लक है शॉप, मतलब 25000 की शॉपिंग है, मतलब इसमें कुछ लकी ड्रॉ है या? नहीं नहीं लकी ड्रॉ नहीं है इसमें, तुम डायरेक्ट आओगी, इंस्टेंट गिफ्ट है, यहाँ पे आओगी, जो भी तुमने बॉक्स खुलवाना है और अगर तुम्हारी लक होती है हाँ तो तुम्हें मिल जाएगा। मतलब इस बॉक्स में है क्या ऐसा? इस बॉक्स में सारे ब्रांड्स के गिफ्ट्स है। छोटे मोटे गिफ्ट रख दिए होंगे तुम लोगों ने, है ना? नहीं नहीं छोटे मोटे गिफ्ट नहीं है, ऐसी बात ही हमारे ब्रांड्स है भाई। अच्छा, टोटल 15 बॉक्स है इसमें। हाँ। और 25% 25000 की शॉपिंग पे हम लोग तुम लोग। हाँ। ये दे रहे हैं, और इसमें से कुछ बॉक्सेस खाली भी हैं, तो ये मत समझना कि हर बॉक्स। वाह भाई, मतलब 25000 की शॉपिंग भी कर रहे हैं और अगर हमने कोई बॉक्स खोला तो एम्प्टी निकला तो मतलब 25000 वेस्ट लग गया ना। ये भी लग है, चूज योर लक। सही है भाई, तुम लोग सही बना रहे हो। मतलब 25000 के, मतलब कोई मतलब दूर से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार हमने शॉपिंग करनी और यहाँ पे आना और गिफ्ट्स लेके जा रहे हैं। ये लोग सही पागल बनाते हैं ये लोग। यहाँ से हम लोग आ गए सीधा एथनिक, और एथनिक पे आते ही प्यारे प्यारे शूज नजर आ गए, वो भी 50% ऑफ पे। तुम्हें कौन सा पसंद आ रहा है लाइबा? मेरी बात सुनिए, मुझे पसंद आया था, प्यारा है यार, गिफ्ट गिफ्ट कर दो मुझे लाइबा, मेरी बर्थडे आ रही है वैसे भी। कोई तरीका है भीख मांगने का? अंकरी यार निकल लो, चलो 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 चलो। तो भाई इतने घंटे बाद अब मेरी छुट्टी का टाइम आ गया है, लेकिन घर जाने से पहले पहले हमने सोचा कि मैं एक राइड ले लूं। वो राइड बच्चों की है, लेकिन मैं उससे पूछूंगी कि भाई एक राइड दे दे, दिल चाह रहा है, मतलब यार इतने दिनों बाद। ये छोटी छोटी कार्स हैं, इससे पहले मैं पूछ लूं कि भाई राइड अलाउ है? राइड अलाउ है मुझे, बैठ सकती हूँ मैं, बैठ जाऊंगी उसपे, इस पे नहीं, इस पे मैं कैसे बैठूंगी भाई? इस पे तो फिर मुझे लड़कियों की तरह बैठना पड़ेगा यार, इस पे बिठा दो। इस पे क्यों नहीं, इस पे मैं आ सकती हूँ भाई, मेरी बात सुनो, मुंह बंद करो, इस पे मैं आ जाऊंगी यार, इस पे मैं नहीं बैठूंगी, मुझे लग रहा है मेरी टांगे फोल्ड हो जाएंगी। ये जगह है बिल्कुल नहीं बैठू, अच्छा बैठू इस पे, अच्छा बैठ के दिखाओ। नहीं मैं शायद नहीं बैठ सकती, मैं आपको बैठ, नहीं ये जगह नहीं है ना उधर, टांगे कैसे फोल्ड करूंगी उस पे? उस पे बैठू कैसे? टांगे उस तरफ करके, हाँ ऐसे ऐसे बैठ सकती हूँ। हाँ पहली राइड आप लेंगी? पहली राइड, पहली राइड इनको दे दें आप, फिर उसके बाद मेरी बारी। कह रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, पहले पैसे क्यों भाई? कितनी भाई, क्या कॉस्ट है इसकी? मुंह बंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे तुम अपना? कितना चक्कर है वैसे, कितना लंबा, किधर से किधर तक, उधर से उधर तक? मेरी बात सुने, टाइट पकड़ेगा, पता चले आप गई नीचे। अच्छा ये चलाना भी हमने खुद ही यार, किसी की नोक देगी मैं बता रही हूँ। लेनी है आपने और, लेनी है और, चलना है आपने तो चले। बस 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 बस
सही की राइड ले ली। वाह भाई, भाई आप तो मतलब आपको ड्राइविंग आती है भाई? मैं कैसे चलाऊंगी, मुझे नहीं आती बिल्कुल भी। चलो इन्होंने राइड ले ली, अब बारी है मेरी। अब मैं ट्राई करके देखती हूँ कि मैं चला लूंगी कि नहीं। रुक तो जाओ आराम से। हाँ ये मजा आ रहा है ना। सीधा लगा लो। बस कर। A few moments later. Finally, ये थी मेरे आज के पूरे दिन की रूटीन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। सब एक्टिविटीज दिखा दी, सारी राइड्स को लेके दिखा दिया। इतना कोई मजा आया इतने दिन बाद। तो भाई अब करते हैं व्लॉग का दी एंड। लेकिन उससे पहले जिसने भी व्लॉग विद नबिया को ज्वाइन नहीं किया है, वो जाके सबसे पहले मेरा चैनल कर ले लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जब भी व्लॉग विद नबिया पे एक व्लॉग अपलोड हो तो आ जाए नोटिफिकेशन आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।